शासकीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली के लिए आंदोलन चला रहे मध्य प्रदेश पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन महासंघ भोपाल के सभी सहयोगी संगठनों के पदाधिकारियों ने चंदला विधायक राजेश प्रजापति को ज्ञापन सौंपकर अपनी आवाज उठाई है। ब्लॉक अध्यक्ष ओपी नामदेव, प्रांतीय महामंत्री ललित कुमार शुक्ला के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि छतरपुर जिले में 2005 से शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों को सेवानिवृत्त उपरांत पेंशन नहीं दी जा रही है। उन्होंने विधायक से कहा है कि आप सरकार से मांग उठाएं कि मध्य प्रदेश सरकार कर्मचारी हितों को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करे। किस संबंध में दिया गया? आज सभी कर्मचारियों की तरफ से, वहाँ शिक्षक बंधु भी रहे, अन्य विभाग के कर्मचारी भी हैं, सभी शिक्षक बंधुओं की पुरानी पेंशन जो 2004-05 में बंद की गई थी, उस पेंशन को बहाल करने के लिए, अपने बुढ़ापे में सहारा बनाने के लिए कि हम कहीं दर बदर की ठोकरें ना खाएं, इसके लिए पुरानी पेंशन बहाल की जाए। इसकी सरकार को यहाँ से संकल्प पारित कर करके विधानसभा से और केंद्र सरकार को भेजने के लिए इस तरह का ज्ञापन दिया गया है कि केंद्र सरकार से मांग की जाए कि पुरानी पेंशन बहाल हो, जिससे सभी का सम्मान बरकरार हो। आप इनकी आवाज़ को किस स्तर तक रखेंगे? मैं जिस स्तर तक हूँ, विधानसभा के स्तर तक हूँ, मैं विधानसभा के स्तर में संकल्प पारित करवाने की प्रयास करेंगे कि हम सभी विधायक संकल्प पारित कर करके केंद्र सरकार को भेजें।